सबसे सस्ती चीज दिखाओ भाई। हमें तो आज ही पता लगा ट्रेन गैस की चलती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सुखविंदर सिंह और आप देख रहे हैं एसएस ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं आगरा। और दोस्तों, अभी ये काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया मुझे ब्लॉग बनाए हुए, और इसका मैं रीज़न आपको कोई दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं मेट्रो स्टेशन पर हूँ और ये साथ में मेरे दो दोस्त हैं, और दो दोस्त मेरे को पंजाबाग मिलने वाले हैं। तो ये रहे दोनों फ्रेंड मेरे, मेरा सामान भी उसी के साथ ही है, और दोनों लड़ रहे हैं अभी वैसे। तो अभी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हम मेट्रो में आ चुके हैं और मेरे सारे फ्रेंड हम मिल चुके हैं। देखो, ये है प्रशांत। हेलो। ये कुलदीप है, और दो वो रहे, ये रहे दो आकाश। हाय, एक वो नवीन। तो दोस्तों, अभी हम, तो हमारा स्टेशन अभी थोड़ा दूर है। अभी हमारा स्टेशन कौन से नंबर पे है? दुर्गा भाई। अब कितना दूर है? जल्दी आ जाएगा, जल्दी। हमारी ट्रेन वैसे भी एक अभी तो दोस्तों हमने ऑनलाइन हमने टिकट बुक करी थी ट्रेन की, तो अभी 8:40 की हमारी ट्रेन है। तो अभी जब तक तो पहुंच जाएंगे यार, तो अभी पता नहीं लग रहा कितने दूर है, तो ना अभी हम बाद में बताएंगे। और थोड़ा ब्लॉग अभी हम यहीं से मेट्रो में शूट करा है, और थोड़ा मैंने आपको जैसे कि पहले दिखाई दिया था, और अभी मेट्रो आप देख सकते हैं पूरी खाली पड़ी यार। सही में अगर स्टैंडिंग पोजिशन में देखा जाए तो कोई भी नहीं है, ज़्यादा नहीं है, सब बैठे हुए हैं। इस टाइम पर वैसे सब अपने घर पर जा रहे होते हैं वैसे भी, तो अभी हम घूमने जा रहे हैं। सब घर जा रहे हैं, सब सारे जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, और क्या, सब सेट है। हमने तो दोस्तों अभी मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। कुलदीप, ओए नवीन भाई के पेट में दर्द हो रहा ना, आप हो गए भाई के। प्रशांत, ये ओए गैंग, ओए सारी गैंग बैंग करने जा रही है, ओए गैंग बैंग करने जा रहे हैं सारे सारे गैंग बैंग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं, और ये देखो पीछे आ रहे सारे हम, ये रहे हमारे दोस्त सारे गैंग, और हमारा S5 है कंपार्टमेंट। तो दोस्तों, अभी हम वहीं जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, और अभी थोड़ी देर में वापस से, यार सामान वामान बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे पास भी। तो अभी थोड़ी देर में वापस हम अपना सामान वामान रख के, सारा सामान अपनी सीट पर रख के, उसके बाद आपसे दोबारा वापस मिलते हैं। तो दोस्तों, हमें अपनी सीट वगैरह मिल चुकी है, और ये प्रशांत और मैं अभी बाहर ही है। ये रहा प्रशांत, और ये रहा नवीन, और आकाश, ये कुलदीप, आकाश आकाश पानी पी रहा भाई। इधर तो देख ले, देख के शर्मा रहा, देख क्यों। तो अभी ट्रेन को अभी चलने में टाइम है, अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 8:28 हो रहा है, और 8:40 की हमारी ट्रेन थी, तो हम टाइम से पहले ही पहुंच गए। और वैसे भी दोस्तों, टाइम से पहले ही पहुंचना चाहिए, कभी भी कहीं पे भी जाओ तो थोड़ा ठीक रहता है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले टिकट के बारे में बता दूँ कि टिकट नवीन ने करी थी ऑनलाइन, हमने एक महीना पहले टिकट बुक करी थी नवीन ने। तो अभी कितने की टिकट पड़ी थी आने जाने का, पर पर्सन ये राउंड ट्रिप का हमारा 360। हाँ, तो दोस्तों हमारा राउंड ट्रिप का है पर पर्सन 360। ये भाई बाहर आ गया, अब बड़ा शर्मा रहा, देखिए हंसरा उधर आ गया। तो ना अभी दोस्तों हम थोड़ी देर में मिलते हैं। तो आपको ऐसी ही कोई भी, अगर आपको ट्रिप आप सोच रहे हैं स्टार्ट करने की, तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए, मौसम काफ़ी अच्छा है, और ये ट्रिप के लिए काफ़ी बढ़िया मौसम है। तो अभी कभी भी हम कर सकते हैं, और अगर आप पहले करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाता है, और टिकट सस्ती भी पड़ जाती है। तो इस चक्कर में अभी हमने इसीलिए हमने एक महीना पहले करी थी। तो दोस्तों अभी वह कहाँ चले गए, खड़े खड़े गायब हो जाते हैं देखना। तो अभी देखते हैं यार, अभी थोड़ी देर में चलती है ट्रेन, तो अभी तक तो बाहर ही खड़े हम। और दोस्तों सबसे बढ़िया, बचपन से देखता आ रहा हूँ, ये दुकानें कभी चेंज नहीं हुई, बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं है? और इनसे ली हुई चिप्स भी बड़ी टेस्टी सी लगती है ना। और यहाँ पर सबसे सस्ता थोड़ा ढूंढना है। हाँ, सबसे सस्ती चीज़ दिखाओ भाई, सबसे सस्ती। हाँ भाई, सबसे सस्ती चीज दिखा। ये देखो वो पीनट्स ले ले, किटकैट भी है वो, तो क्या बात है। हमारे टाइम पे नहीं थी यार ऐसी कोई बढ़िया बड़ी चीज़, हम छोटे थे, अब बस वो दिखती थी वो बिकानों की चिप्स, वो ग्रीन वाली पुदीना वाली। अभी तो यहाँ रेट में मिल जाएगी, आगे रास्ते में यही 20 वाली चिप्स 30 की हो जाएगी। हाँ, ये बड़ी गुंदक्षी आती थी भाई साहब, सही में। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर में वापस मिलते हैं आपसे।
दोस्तों अभी हम वहाँ पे बैठ चुके हैं, ट्रेन भी चल चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं। अबे दिख रही है ये मजा आ रहा है भाई, ये भाई तो सारा मैच देख रहा है, मैच देखना है तो साल ब्लॉग बनाने आया और क्या, ब्लॉग बनाने आया है भाई। ये देखो भाई चल गई ट्रेन, भाई के पेट दर्द हो रहा है नाप हो गई हो गई नल्ले हो गए प्रशांत नल्ले हो गए यार। अभी ट्रेन लेट हो गई है काफी, क्योंकि दो बार किसी ने चैन खींच दी, किसी सारे ने किसी ने ना, अब क्या ही बोलूं मैं चढ़ते ने एक टाइम पे खुद और फिर चैन खींच करके दूसरों को भी लेट करा देते हैं। आकाश भाई सही कह रहा हूँ ना, आकाश से पूछो, देखो आकाश बताएगा, हमारा भाई बताएगा, आकाश बताइए ये बताएगा भाई बताएगा। भाई हमें नहीं पता, हमने तो कभी ट्रेन खींची चैन खींची नहीं ये भाई ट्रेन खींच रहा है, ट्रेन खींच रहा भाई क्या हमने ट्रेन खींची नहीं कभी, हमें नहीं पता, हमें तो आज ही पता लगा ट्रेन खींच के चलती है, खींच के चली है वो देखी। अभी तो दोस्तों यार अब ना रुके बस यही सोच रहे हैं अभी तो। वैसे ट्रेन कौन सी है, क्या नाम है इसका? भोपाल सुपर फास्ट एक्सप्रेस। अब भोपाल दोस्तों अभी कितने, 2 घंटे का टाइम है पहुँचाने का, तो दोस्तों आगरा कैंट रुकेगी सीधा, तो दोस्तों अभी 2 घंटे का टाइम है, देखते हैं अभी बीच में वैसे कुछ याद ज़्यादा इतना कुछ आएगा नहीं, तो अभी थोड़ी देर में देखते हैं, जैसे ही कुछ आएगा तो हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, तो अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम अपना कुछ बातें बातें कर रहे थे स्कूल टाइम की, और थोड़े हमने स्नैक्स वगैरह खाए और मज़ा मौज मस्ती करी काफ़ी, यार काफ़ी मज़ा आया क्योंकि मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद हम सारे दोस्त मिले हैं, बातें करिए थोड़ी और मौज मस्ती करते निकल रहे थे। दोस्तों अभी थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं, और अभी टाइम हो गया है 10:55 हो गया, तो दोस्त थोड़ी देर में ना हम पहुंच जाएंगे, और अभी थोड़ा यार थक भी गया है थोड़ा यार, जॉब वॉब से भी आए थे दोस्त वगैरह, तो भाई जॉब से आया था सीधा, ये भाई भी जॉब से आया था ना, तू भी ये भी जॉब से आया था, काम है इनका अपना, काम है अपना खुद का, जहाज चलते हैं जहाज चलते हैं जहाज लेदर के भाई आ गया भाई आ गया भाई भाई आ गया उपाध्यक्ष आ गए हमारे, कह रहा भाई आगरा नहीं आ रहा, घर चला गया वापस आकाश, तो कहाँ गया था, अच्छा मजा आ गया ना सुपर बात का हमारा सुपर बारात आगर आ गया अंकल जी, वो सामान दो थैला ले लो भाई अपने अपने। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं स्टेशन पे आगरा कैंट, और अभी 11:08 हो रहे हैं, और ठीक ठाक तो नहीं बोलेंगे यार, मतलब टाइम से थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि वहाँ पर 2 बार किसी ने चैन खींच दी थी, तो अभी हम जा रहे हैं एग्ज़िट की तरफ। यार वैसे मज़ा आया, दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं जाना चाहिए यार ट्रिप पे हमेशा, वैसे मैं अभी तक पहली बार आया हूँ, वैसे बाइक वगैरह पे तो यार इतना मज़ा, वैसे बाइक वगैरह पे ज़्यादा मज़ा आता है, पर ट्रेन से भी अच्छा मज़ा आता है यार सही में। कैसा लगा भाई? ठंडुक हो रही दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे स्टेशन से, हम एग्जिट की तरफ जा रहे हैं अभी। हाँ भाई एग्जिट की तरफ जा रहे हैं, अब एग्जिट की तरफ जा रहे हैं, और बाहर की तरफ जा रहे हैं, एग्जिट की तरफ नहीं जा रहे हैं। ठीक है अच्छी तरह समझ आ गया। हाँ तो अभी दोस्तों होटल वालों को अभी कॉल कर रहा है नवीन, और पूछ रहा है लोकेशन पूछ रहा है अभी, अबे क्या हो रखा है यहाँ पे, एग्जिट है कहाँ ये तो पूछ ले। तो दोस्तों ये देखिए स्टेशन का थोड़ा लुक ऐसा है यहाँ का, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ।
बाहर जाके। दोस्तों ये देखिए कुछ ऐसा है, काफ़ी लाइट यहाँ पे लगा रखी है काफ़ी ज़्यादा, और अच्छा लग रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं आगरा छावनी, यार मज़ा आ गया ट्रिप पे। वैसे ट्रिप पे वैसे मज़ा आ गया प्रशांत, मज़ा आ गया। दिल बड़ा गार्डन गार्डन सा हो रहा है। तो अभी नवीन ने कैब कर लिया, डेढ़ सौ रुपया देगा, फिर इसकी तबीयत से लेगा। ओए यार पिक तो ली नहीं अपन ने कोई, ले ले अब ले ले, हमने तो अबे रुक जा। ओ आकाश आकाश, तो दोस्तों ये पीछे देख सकते हैं आप मेरे आई लव आगरा, और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। ये पूरा रेलवे स्टेशन है, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ। ऑटो करा है तो दोस्तों अभी यहाँ पर ऑटो कर लिया है नवीन ने, और अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं हवेली नहीं भाई, अभी हम निकल होटल की तरफ जा रहे हैं। ये होटल है हमारा, वो भाई वाइट वाइट हो गई डिस्प्ले पूरी, लूट निकल रहा है ना। और ये ऑटो 150 रुपये में हुआ है, 150 रुपया देगा भैया ने बोला था, डिक्की होगी इसमें, मगर हमें चलकर में बिठा दिया है। गोदी में बैठ बैठ के जा रहे हैं, अभी कितना 4 किलोमीटर दूर है ना, हमारा पहला बबलू कट चुका है। दूसरा होटल जाके पता लगेगा, वो भी पता हमें। तो दोस्तों अभी हम होटल में आ चुके हैं, मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ रूम, पहले मैं आपको रूम दिखाता हूँ उसके बाद मैं बाहर से भी दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए रूम, ये है हमारा रूम, सामने वॉशरूम है, और ये है बेड, इस पर 3 बंदे सोएंगे कोई भी। तो एक चीज़ बहुत बढ़िया है, ये देखिए रूम के बाहर सीटिंग के लिए बना रखा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, और लाइटिंग भी बहुत बढ़िया लग रही है यहाँ पर मुझे। तो अभी हमने थोड़ा रेस्ट लिया, और नवी और बाकी जो है वो खाना लेने गए हैं। तो हमने खाना ना खा के थोड़ा डांस वांस करा है यार, मज़ा आ गया। तो वो वीडियो भी दिखाते हैं आपको, तो चलिए। Tiri tiri
तो दोस्तों अभी यहाँ पे यहाँ पर हम नाश्ते नाश्ते रुक गए थे क्योंकि रात के 12:30 बज रहे थे और जो रिसेप्शन पे बैठे रहते हैं वो ऊपर आकर और उन्होंने बोला था कि है ना साथ वाले रूम से कंप्लेंट आ रही है कि हमारे रूम से शोर आ रहा है, तो इस चक्कर में उन्होंने हमें आके बोला, पर हमने फिर भी नहीं माने। हम तो यार कम आवाज़ में हम अपना इंजॉय कर रहे थे, दोबारा डांस वांस करने लग गए थे। तो दोस्तों हमने ज़्यादा देर मौज मस्ती नहीं की यार, डांस वगैरह कर रहे थे। कंप्लेंट आने के बाद फिर हमने सोचा कि यार और भी डिस्टर्ब हो रहा है हमारी वजह से, तो इस वजह से हमने यार अपना बेड वगैरह लगाया और सोने की तैयारी कर रहे थे। बस थोड़ा खाना हमने थोड़ा पहले खा लिया था, फिर डांस वांस करने के बाद खाया और उसके बाद हमने अब जैसे कि अब देख रहे हैं बेड लगाया, उसके बाद हम यार सो गए थे। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगरा की ट्रिप में आगे और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों मौज मस्ती ज़्यादा हो गई है, 1:15 हो गया ना, अभी 1:15 हो गया दोस्तों टाइम, और अभी हमने खाना वाना खा लिया है, डांस कर लिया है, थक भी गए हैं, तो अभी सोने जा रहे हैं। बस ये हमारा बेड लग गया यहाँ पे, एक बेड ये रहा। तो दोस्तों अभी हम सोने जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे सुबह सीधा।